रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रात 3 बजे से हुई तेज बारिश से रायसेन की कई बस्तियां हुई जलमग्न। तालाब मोहल्ला, शीतल सिटी, कलेक्ट्रेट कॉलोनी में मकानों में भराया पानी। स्थानीय नगर पालिका के सामने दुकानों में भी पहुंच गया पानी। लोगों के घरों में से बाहर निकाला जा रहा है पानी। नहीं सो पाए बच्चे रात भर, महिलाएं होती रही परेशान। अभी भी बारिश का दौर जारी है, रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिसकी वजह से लोगों के घरों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के खाने पीने की चीज़ें सब बेकार हो गई, उनके कपड़े सारे गीले हो गए, जिसकी परेशानियां हो रही हैं। नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। नगर पालिका अगर चाहती तो बारिश के पूर्व नालियों की सफाई करती तो शायद इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। बेतवा पुल पर पानी आना शुरू हो गया है, आधे पुल पर पानी आ गया है। हो सकता है रायसेन विदिशा मार्ग जल्द ही बंद हो जाए। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। 3 बजे रात से पानी बहुत ज़्यादा गिरा है, घरों में पानी भरा गया है, ना कोई सोया, रात भर 3 बजे से जग रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, हमारा सारा सामान गीला हो गया है। रात को बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है सोने के लिए, रात भर हम जागते रहे और रात भर परेशान होते रहे। पानी लगभग 3 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो 3 से थोड़ा थोड़ा था, लेकिन 5 से लेकर 6 तक बहुत तेज पानी गिरा। कुछ नुकसान हो गया क्या पानी भरने से घर में? अरे भैया बहुत ज़्यादा, पूरा सामान गीला हो गया, आटा वगैरह सब नीचे रखा था वो भी गीला हो गया, और पूरा ही सामान सब्जी वब्जी सब गीली। सागर देवरी से हमारे संवाददाता त्रिवेंद्रम जाट की रिपोर्ट। बाबा अंबेडकर जी की असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति तोड़ने पर बाबा के समर्थकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सख्त कार्रवाई न होने पर समर्थकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। विगत दिनों सागर जिले के मालथोन के बांद्री में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के संबंध में आज देवरी नगर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज एवं अन्य बाबा साहब संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि शरारती असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। संगठन के लोगों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय साहब जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है, तो ये बहुत हमारा संगठन की ओर निंदा करता है और इनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग करता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी समय में संगठन जबर मजबूत होकर के धरना। आज देवरी नगर के वासियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़े जाने के संबंध में ज्ञापन पेश किया है हमारे कार्यालय में आज, जो हम अभी अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे आगे की कार्रवाई के लिए।